नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे खीरू महतो के बारे में। बिहार जदयू में राज्यसभा सीट को लेकर लंबे समय से उठापटक चल रहा था। इस दौरान कई तरह की बातें सामने आई, जिसमें आरसीपी सिंह के टिकट मिलने और कटने जैसी कितनी ही खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी, लेकिन आखिर में आरसीपी सिंह का नाम कट गया। जदयू ने अपने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है। आपको बता दें कि झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को बिहार से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद से पूरा जदयू के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें कि खीरू महतो को 14 सितंबर 2021 को झारखंड की कमान दी गई थी। बता दें कि झारखंड में जदयू की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। खीरू महतो साल 2005 में मांडू से विधायक चुने गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई भी चुनाव नहीं जीता। अब पार्टी ने खीरू महतो के साथ साथ झारखंड की राजनीति में एक नया जान फूंकने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि खीरू महतो ने राजनीति की शुरुआत साल 1978 में मुखिया के चुनाव जीतने के साथ किया था, जिसके साथ साथ समता पार्टी के साथ वे जुड़े रहे। इसी दौरान देश के कद्दावर नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ इनका झारखंड आना जाना लगा रहता था। जब भी जॉर्ज साहब झारखंड जाते थे, उनके साथ खीरू महतो जरूर होते थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि खीरू महतो के उन दिनों के साथ ही, जब बिहार में लालू राबड़ी शासन के विरोध में एक आंदोलन की शुरुआत की बात कही जा रही थी, उस समय से खीरू महतो जॉर्ज साहब के साथ, बाद में नीतीश कुमार के साथ हैं। जब झारखंड में पार्टी संगठन पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुकी थी, जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शाखन मुर्मू खुद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हार चुके थे। संगठन के कार्यकर्ता एक तरह से कह लें कि हतोत्साहित हो गए थे। उसी समय नीतीश कुमार के करीबी और विश्वासी रहे खीरू महतो को प्रदेश संगठन की जिम्मेवारी सौंपी गई। खीरू महतो के राज्यसभा टिकट को लेकर यह कहा जा रहा है कि बिहार केंद्रीय नेतृत्व ने खीरू महतो को बिहार से राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाकर एक तीर से दो निशाना साध लिया है। एक ओर जहां टिकट चाहने वाले बिहार जदयू के तमाम नेताओं की दावेदारी को आसानी से काटा गया, वहीं खीरू महतो को राज्यसभा से उम्मीदवार बनाकर पार्टी की ओर से यह संकेत दिया गया कि आने वाले समय में झारखंड में भी संगठन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा। राज्यसभा में जाने के बाद खीरू महतो को एक नई शक्ति मिलेगी, जिससे संगठन के कार्यकर्ता का भी उत्साह बढ़ेगा और राज्य भर में जदयू को फिर से खड़ा करने का कार्य योजना तैयार की जाएगी। राज्यसभा के टिकट मिलने के बाद खीरू महतो ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, प्रभारी श्रवण कुमार सहित बिहार की पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी कहा कि एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया है, हमारे संघर्ष को पार्टी ने मान लिया, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो एक तरह से कह लें कि खीरू महतो को जिस तरह से राज्यसभा का टिकट दिया गया है, उसके बाद से झारखंड जदयू और बिहार जदयू में जो है उत्साह की लहरें, साथ ही साथ जिस तरह से आरसीपी सिंह का टिकट कटा है, ऐसे में यह कहा जा रहा है कि एक कार्यकर्ता के रूप में अगर कोई भी पार्टी लंबे समय से बिना किसी लोभ के अगर पार्टी के साथ जुड़ा रहता है, तो उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। ऐसे में खीरू महतो एक उदाहरण के रूप में है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।